ये अचार खाने में इतना टेस्टी और चटपटा है कि अगर आप खाना के साथ आधा चम्मच ले लिए तो ये आपके खाने के स्वाद को दोगुना कर देगा। और इसमें हमने जो जो चीज़ें ली हैं सब पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके लिए हमने 250 ग्राम लहसुन के हरे पत्ते लिए हैं और 150 ग्राम हमने धनिया के हरे पत्ते लिए हैं। सबसे पहले इसे 3 से 4 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत रहता है तो इसे अच्छे से धोकर ही यूज करें। अगर अचार में मिट्टी चला जाएगा तो अचार का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लहसुन को अच्छे से धो लेते हैं, इसे अच्छे से धोकर ही यूज करें। अब हम धनिया को भी 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और इसके सारे मिट्टी निकाल देंगे। लहसुन के हरे पत्ते डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और इसका अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे 10-15 मिनट रख दिया था, जिससे इसके सारे पानी सूख गए हैं। अब इसके हम पीले पत्ते निकाल देंगे, ऊपर के पीले पत्ते थोड़ा ख़राब रहते हैं, और इसे काटकर इसके जड़ अलग कर देंगे। और जो बचे हैं इसे हम यूज करेंगे, तो इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आप इसे छोटा बड़ा जैसा चाहें काट लें, क्योंकि अभी इसे हमें पीसना ही है। हरे धनिया के भी हम खराब और पीले पत्ते निकाल देंगे और इसे भी हम काट लेंगे थोड़ा बड़े बड़े पीस में। इसके जड़ हम निकाल देंगे और इसके हम डंठल सहित ही इसे काट लेंगे। इसे आप बड़ा छोटा जैसा चाहें काट लें। और लहसुन के जो मोटे डंठल हैं इसे भी हम काट लेंगे और यूज कर लेंगे, इसे हमें फेंकना नहीं है। सारे लहसुन को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और ये जो सफ़ेद वाले हिस्से थे इसे भी काट लिया है, और सारे धनिया को भी हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और ये हमने लिया है 100 ग्राम हरी मिर्च, इसके हम डंठल निकाल देंगे, इसे हमने धोकर साफ कर लिया है। और ये हमने लिया है 100 ग्राम अदरक, इसे हम छीलकर इसके छिलके हटा देंगे और इसे छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। और ये हमने लिया है खलबट्टा, आज इसे हम कूट के बनाएंगे। आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर जार में इसे ग्राइंड भी करके बना सकते हैं। इसे हमने दोनों तरह से बना के डाला है, लेकिन इसे देसी स्टाइल में कूट के बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आज हम कूट के बनाएंगे। और ये देखिए, इसे हमने अच्छे से कूट लिया है, अब इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल दरदरा है इस तरह का। और अब इसी में हम हरा धनिया डाल देंगे और उसे भी हम कूट लेंगे। धनिया को भी हमने कूट लिया है, इसी में हम धनिया भी निकाल लेंगे। अदरक को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है और हरी मिर्च के हमने डंठल निकाल दिए हैं, इसे भी हम खलबट्टे में डालेंगे। और हरी मिर्च और अदरक को हम एक साथ ही कूट लेंगे, इसे भी हमने कूट लिया है, अब इसी में हम अदरक और हरी मिर्च को भी निकाल लेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे हम 10-15 मिनट इसी तरह से फैला देंगे, जिससे थोड़ा सूख जाए और इसके मॉइस्चर हट जाए। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम एक छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, और 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, और 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़ा चम्मच इसमें हम साबुत धनिया डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम मेथी दाना डालेंगे यानी 1/2 टीस्पून। मेथी हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेथी हो जाता है तो अचार का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है। अब हम सारे मसाले को 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसमें आप कच्चे मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाले भून के डालने से अचार का टेस्ट अच्छा हो जाता है और अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। मसाले भून लेने से मसाले की मॉइस्चर निकल जाती है तो अचार की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसे हमने 2-2.5 मिनट भून लिया है, अब ये चट कर रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये हो गया है, और गैस बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पीला सरसों। आप इसमें काला पीला जो भी सरसों या राई हो यूज कर लें, लेकिन इसमें सरसों ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सरसों को हमें भूनना नहीं है, बस इसे गर्म करके इसका मॉइस्चर हटाना है, जिससे ये आसानी से पीस जाए। अब इसे हम ठंडा करके मिक्सर जार में डाल के बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि अचार में दरदरे मसाले ही अच्छे लगते हैं।
अब हम गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें हम 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि ये चाय सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि इसे सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसी में हम आधा छोटा चम्मच मंगरेल यानी कलौजी डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अगर आप हींग का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना हींग के भी बना सकते हैं, लेकिन हींग से डाइजेशन अच्छा रहता है। आधा छोटा चम्मच सौंफ डालेंगे और 1/4 चम्मच मेथी डालेंगे और इसे हम तड़कने देते हैं। अब ये चटक गया है तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसी में हम लहसुन, धनिया, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे जो हमने कूट कर रखा। इसे हम गैस बंद करने के बाद तुरंत ही डालेंगे, गरम गरम तेल में ही डालना है तो ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसके मॉइस्चर भी हट जाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और तेल गर्म है तो इसे थोड़ा ये सॉफ्ट भी हो जाए। अगर आप इसे तुरंत से ही खाना चाहते हैं तो इसे 1-2 मिनट इसी तरह से भून लें गैस जलाकर, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और आप इसे तुरंत से ही खा सकते हैं, लेकिन इसे कच्चा बनाने से ज़्यादा दिनों तक चलता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। और ये हमने लिया है मसाला जो हमने भुना था, इसे हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का। इसे हम इसमें डाल देते हैं। अब इसी में हम 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ही डालें, लेकिन अचार में थोड़ा तेज नमक ही अच्छा लगता है, तो इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। और ये हमने लिया है काला नमक, इसे हम 1 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे, इसे अचार बहुत ही चटपटा बनेगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अच्छे कलर के लिए है। और ये हमने 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर लिया है, इसे अचार बहुत ही चटपटा बनेगा। और अब इसे हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। सिरका इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही इसमें डालें। हमने वाइट विनेगर लिया है, आप इसमें गन्ने का सिरका, जामुन का सिरका, वाइट विनेगर या फिर एप्पल विनेगर भी डाल सकते हैं, जो भी हो इसमें डाल दें। और अगर सिरका नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें सिरका ना डालें तो आप इसमें 1 नींबू का रस डाल दें, उससे भी अचार चटपटा बनेगा और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने सारी चीज़ें इसमें चम्मच से नाप कर डाला है जिससे आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अब ये हरे लहसुन का अचार बनके तैयार हो गया है, आप इसे हरे लहसुन की चटनी भी कह सकते हैं। बस अब इसे इसी तरह 2 दिन धूप में रख दें, फिर इसमें 1-2 चम्मच तेल और गर्म करके डाल दें और इसे किसी कांच के जार या फिर अच्छे कंटेनर में डाल के रख दें तो आप इसे 6 से 7 महीने तक आसानी से खा सकते हैं। और जब भी निकालें, सूखे और साफ चम्मच से निकालें तो अचार आपका बहुत दिनों तक चलेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको खाने में कैसा लगा और आपने इसे कैसा बनाया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।